भगवान भोलेनाथ को बेहद जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता माना जाता है। भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था, जिसके लिए पार्वती जी ने सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। तप के बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा था। आज अपने इस वीडियो में हम आपके साथ वही कथा साझी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिवजी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिवजी से विवाह ना करने को कहा, लेकिन माता पार्वती जी अपने निर्णय पर अटल रही। फिर स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती जी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शिवजी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और वो लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची। उस लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी ना माँ है और ना ही बाप है, ना कोई मित्र है, आप मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा, इस लड़के को छोड़ दो। तब मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। तब शिवजी दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले ही मनचाहा वरदान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात बताई। शिवजी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा मन प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। अनेकों रूपों में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेकों शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिवजी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महादेव।